ये चाय बिस्किट का नाश्ता हमारी इंडियन सोसाइटी में बहुत ही प्रेवलेंट है, बहुत आसानी से मिल जाता है। 10 रुपए में बिस्किट मिल जाते हैं, क्रंची है, टेस्टी है, दूध के साथ जाता है, चाय के साथ जाता है। ओट्स बिस्किट, रागी बिस्किट, ड्राई फ्रूट बिस्किट, जैम बिस्किट, जो बिस्किट, एवरीबडी बिस्किट, इतनी बड़ी इंडस्ट्री है बिस्किट की। सो दे आर पुटिंग इन ऑल द एफर्ट टू सेल यू दैट बिस्किट। अब आप ये सोचो, अगर आप रोज चाय बिस्किट का नाश्ता लोगे तो महीने में आपने 60 बिस्किट खाए और 30 चाय पी, और हम इंडियन से एक चाय नहीं पीते हैं, बहुत सारी चाय पीते हैं। और न्यूट्रिशन क्या मिला? जीरो न्यूट्रिशन, देयर इज नो फाइबर। बिस्किट का बेस क्या होता है? मैदा, पाम ऑयल, शुगर, लिक्विड ग्लूकोज, कुछ प्रिजर्वेटिव, और जो थोड़े बहुत बेनिफिट हैं वो थोड़ा सा ऐड कर देते हैं, मार्केटिंग के लिए अच्छा है। तो मैं ये नहीं कह रही हूँ कि चाय बिस्किट मत खाओ, खाओ, बट साथ पे अलग अलग दिन अलग अलग नाश्ते भी खा सकते हो आप, या हफ्ते भर इसमें चेंज कर सकते हो। पोहा, दलिया, उपमा, स्मूदीज, पैनकेक्स, चिल्ला, ढोकला, इडली, चाय बिस्किट कभी कभी, बट एवरीथिंग एल्स एवरी सिंगल डे।